सो हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में भी हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि है वाटर हैमर। तो आपने अक्सर देखा होगा, चाहे वो स्टीम लाइन हो चाहे वो वाटर लाइन हो, उसमें एक हैमरिंग वर्ड आता है, ठीक है, जो हाई नॉइज और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। तो ये हैमरिंग होता क्या है, इसी के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि आपका वाटर हैमरिंग हो चाहे स्टीम हैमरिंग हो, जिसको हम लोग नॉर्मली हैमरिंग कहते हैं, वो होता क्या है, कैसे ये प्रोड्यूस होता है, क्या इसके रीजन होते हैं और इसका क्या इफेक्ट्स पड़ता है और कैसे हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। और ये वीडियो आपका ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट होगा ही, साथ में आपका एग्जाम हो चाहे इंटरव्यू हो उसमें भी अक्सर ये पूछा जाता है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय बाय वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वाटर हैमर, तो वाटर का मतलब होता है पानी और हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। तो हथौड़ा का अक्सर हम लोग यूज किस लिए करते हैं, किसी मटेरियल को पीटने के लिए, ठीक है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। तो जब हम लोग किसी चीज़ को पीटते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हाई नॉइज उत्पन्न होता है, आवाज़ आता है और साथ में वाइब्रेशन होता है। तो वाटर के केस में भी यही होता है। तो ऐसे तो वाटर का कोई हथौड़ा बोल के कोई चीज़ नहीं होता है, वो एक हैमर की तरह वर्क करता है वाटर, इसलिए ये नाम पड़ा है वाटर हैमर। एक्चुअली होता क्या है, जब किसी वाटर लाइन में किसी भी कारण से अगर वाटर जो है वो सडनली आपके पाइपलाइन में या वाल्व में स्ट्राइक करते हैं तो वहां पर हाई नॉइज या वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, उसी फिनोमेना को वाटर हैमर कहा जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो, ये जो फिनोमेना है इसको आप लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। जैसे आपके घरों में जो ऊपर में आपका वाटर का टैंक रखा रहता है छत के ऊपर, और नीचे में आपका जैसे बाथरूम समझ लीजिए या आपका जो किचन होता है उसमें आपका जो वाटर के लाइन्स आते हैं, तो उसमें आपका जो टैपिंग होता है, जो नल होता है, उसमें आपका वाल्व लगा होता है। तो जब कभी भी अगर आप वाल्व को अचानक से बंद करोगे, मान लो कि आपका वाल्व खुला हुआ है और पानी आपका तेजी से आ रहा है, तो वाल्व को आप अचानक से बंद करोगे तो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो उसकी हाई वेलोसिटी है, वो अचानक से क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर वो जीरो होगा तो किस कारण से हुआ, तो आपने जो वो वाल्व अचानक से बंद हुआ तो वो अचानक उसमें स्ट्राइक हुआ, जिसकी वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो गई, उसकी जो भी वहां एनर्जी है वो लॉस हो गई। तो वो जो एनर्जी लॉस हुआ वो इसी कारण से हुआ कि आपका जो वाल्व बंद हुआ वो उसमें स्ट्राइक हुआ, साथ में आपका जो पाइपलाइंस थे उसमें वो स्ट्राइक होके हुआ। तो इसी कारण से अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया है तो वहां पर साउंड आता है या वाइब्रेशन आता है, ठीक है, जब कभी भी आप अगर उसे सडनली बंद करोगे तो। लेकिन घरों में जो वाटर लाइन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वाल्व जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो वहां पर उतना इसका इफेक्ट नहीं देखा जाता। लेकिन जहां कहीं पर भी आपके बड़े बड़े जो वाटर लाइन होते हैं, जैसे आपका हाइडल पावर प्लांट हो गया या कोई बड़े बड़े जो फैक्ट्री हो गई, जहां पर आपका बड़े बड़े वाटर लाइन्स यूज किए जाते हैं, तो वहां पर बड़े बड़े वाल्व्स यूज किए जाते हैं और उनका अगर ऑपरेशन क्विकली किया जाता है, सडनली उसको बंद किया जाता है, तो वहां पर यह घटना अक्सर देखा जाता है। तो जब कभी भी अगर वाटर के केस में, यानी कि वाटर पाइपलाइन के केस में ऐसा वाटर की वजह से अगर हैमर होता है, ठीक है, ऐसा फिनोमेना होता है, तो उसे वाटर हैमर कहेंगे। अब यहां पर हम लोग जो बात करेंगे कि स्टीम लाइन में अक्सर आपने देखा होगा कि जब इसे चार्ज किया जाता है तो वहां पर आपको ये हैमरिंग वाली जो आवाज है वो सुनाई देती होगी। तो स्टीम लाइन में जो वो हैमरिंग होता है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे क्या उसके रीजन है, क्या उसके इफेक्ट्स है और क्या उसका प्रिवेंशन है, कैसे हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक स्टीम लाइन है, ठीक है, तो इस स्टीम लाइन में आप देखेंगे तो जब कभी भी आपका जो ये मान लीजिए कि बंद कंडीशन में है, तो उसमें पहले से कुछ स्टीम होगा, तो स्टीम क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर आपका लो होगा तो क्या होगा, कंडेंस होगा, वो वाटर हो जाएगा। तो ये वाटर क्या होगा, वो नीचे में कलेक्ट हो जाएंगे। अब जब कभी आपको जरूरत पड़े कि ये स्टीम लाइन आपको जो है लाइन में लेना है, तो यहाँ का जो वाल्व होगा, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई वाल्व है, तो वाल्व को आप अचानक से खोलोगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा, अचानक से जो आपका स्टीम है, जो हॉट स्टीम है जिसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपका हाई वेलोसिटी में आपका जो स्टीम है वो यहाँ पर आएगा। ओके, तो जब ये आएगा तो क्या होगा, तो ये इसको आप सेकेंड डायग्राम में देख ली, यहाँ पर तीन डायग्राम है, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड वाला आप में आप देखेंगे कि ये जैसे ही स्टीम यहाँ पर आया तो वाटर यहाँ पर देखेगा कि अच्छा यहाँ पर जो स्टीम है वो तेजी से जा रहा है, ठीक है, तो इसको देखकर इसको भी, इसके अंदर भी एनर्जी आ जाएगी, इस स्टीम से इसको भी एनर्जी आ जाएगी, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी और इतना बढ़ जाएगा कि ये भी जो है वो ऊपर उठना चाहेगा, वो स्टीम के साथ जाना चाहेगा, ठीक है। तो जिस तरह से आपका जो सी में आपका लहर उत्पन्न होती है ना, उसी तरह से यहाँ पर लैग उत्पन्न होता है जिसको स्लग कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा डायग्राम में क्लियरली समझ में आएगा कि स्टीम जब जा रहा था तो आपका ये जो वाटर पार्टिकल्स जो थे उसमें भी जो है वो हाई मोमेंटम आ गया, मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे वाटर में मास है और इसकी वेलोसिटी
जो है वो हाई होगी। तो अब ये जो वेलोसिटी जो हाई हुई और इसकी इतनी वेलोसिटी हाई हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि पूरा जो टर्बुलेंस है यहाँ पर बिगड़ जाता है। तो ये अचानक से आपका जो स्ट्रक्चर है, जो पाइपलाइन है, उसके वाल्स में स्ट्राइक करती है, ठीक है, वहाँ पर धक्का देती है और इसी वजह से यहाँ पर जो है हाई नॉइज और वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से स्टीम लाइन में आपका हैमरिंग उत्पन्न होता है। अब देखते हैं इसके क्या रीजन है। तो सबसे पहला जो रीजन है कि क्विक ओपनिंग और क्लोजिंग द वाल्व। जैसे हम लोग मान लीजिए यहाँ पर जो वाल्व था इसको अगर अचानक से खोलेंगे तो क्या होगा, स्टीम जो है वो अचानक से जाएगा और अचानक से वाटर में लैगिंग उत्पन्न होगा, स्लग उत्पन्न होगा, तो जिससे हैमरिंग और भी ज़्यादा होगा। तो अगर वाल्व का ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो सडनली करेंगे, क्विकलिंग करेंगे, तो वहाँ पर हैमरिंग होता है। नेक्स्ट जो है कंडेंसेट अवेलेबल इन स्टीम लाइन। तो यहाँ पर जो ये कंडेंसेट देखें तो इसी की वजह से आपका जो है हैमरिंग हो रहा था। अगर ये अगर अवेलेबल रहेगा किसी भी स्टीम लाइन में तो वहाँ पर जो है वो हैमरिंग होगा। नेक्स्ट जो है कि नो प्रॉपर ड्रेन एंड स्टीम ट्रैप अवेलेबल। अगर मान लीजिए ये पाइपलाइन है तो अगर इसमें कोई भी आपका प्रॉपरली ड्रेन नहीं है, स्टीम ट्रैप नहीं है, तो वहाँ पर भी जो है कंडेंसेट निकल नहीं पाएंगे, तो वहाँ पर भी हैमरिंग का खतरा रहता है। नेक्स्ट जो है पाइपलाइन डिजाइन। अगर पाइपलाइन का डिजाइन जो है वो आपका अच्छे से नहीं हुआ है, जो आपका स्लोप देना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं दिया गया है, प्रॉपर पॉइंट पर आपका ड्रेन अगर नहीं दिया गया है, तो ये सब अगर डिजाइनिंग अगर कुछ फेलियर है तो उसके कारण से भी वाटर हैमरिंग होता है। अब अगर वाटर हैमरिंग हो जाता है तो क्या आपको इफेक्ट्स पड़ेगा वो देखते हैं। तो पहला जो है कि अगर वाटर हैमरिंग जो हुआ तो हम लोग देखें कि वाटर जो है वो चारों तरफ स्ट्राइक करता है हाई वेलोसिटी में, और ये बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी में करता है, बहुत ज़्यादा आपका जो साउंड है और वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, इतना ज़्यादा होता है कि पूरा पाइपलाइन के साथ साथ जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो बिल्डिंग होते हैं, वो भी पूरा एकदम कपकपा जाते हैं, उसमें भी वाइब्रेशन हो जाता है, वो भी पूरा हिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इतना ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है। तो पहला क्या इफेक्ट्स होगा कि हाई नॉइज एंड वाइब्रेशन ओकर, हाई नॉइज और वाइब्रेशन होगा, ओके। नेक्स्ट जो है कि पाइपलाइन वाल्व्स इंस्ट्रूमेंट एंड सपोर्ट्स में भी डैमेज। तो पाइप में जो भी आपका वाल्व्स लगे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लगा हुआ है, आपका सपोर्ट्स लगे हुए हैं, तो वो सभी क्या है डैमेज होने का खतरा होता है या डैमेज भी हो सकता है, ओके। अगर आपका बहुत ज़्यादा होगा हैमरिंग तो वो सभी टूट भी सकते हैं। तो इस इफेक्ट से यही समझ में आता है कि वाटर हैमरिंग जो है वो अच्छा चीज़ नहीं है, इसको नहीं होना चाहिए। तो आइए समझते हैं यहाँ पर हम लोग इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो है कि ये क्यों हो रहा था, तो वाल्व को ओपनिंग अचानक से कर रहे थे या क्लोजिंग अचानक से कर रहे थे, इसके वजह से हो रहा था। तो हम लोग वाल्व को क्या करेंगे, पहले ग्रेजुअली ओपन या क्लोज करेंगे, ठीक है, स्लोली करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। नेक्स्ट जो है रिमूव द कंडेंसेट बिफोर स्टीम लाइन चार्ज। अगर मान लीजिए कोई स्टीम लाइन है, इसको चार्ज करना है, ठीक है, इसको लाइन में लेना है, तो सबसे पहले आप इंश्योर हो जाइए कि यहाँ पर जो भी कंडेंसेट है वो निकल गए हैं कि नहीं, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उसका जो ड्रेन पॉइंट है उसको खोल दीजिए ताकि कंडेंसेट जो है वो निकल जाए, और फिर स्टीम लाइन को धीरे धीरे चार्ज कीजिए, ओके। नेक्स्ट जो है कि प्रॉपर ड्रेन एंड स्टीम ट्रैप आर अवेलेबल। अब आपका जो स्टीम लाइन जो है, आपका जो पाइपलाइन है, उसमें आपका प्रॉपरली आपका ड्रेन होना चाहिए प्रॉपर पॉइंट पर, और स्टीम ट्रैप अवेलेबल होना चाहिए ताकि आपका जो कंडेंसेट है वो निकलता रहे। नेक्स्ट जो है प्रॉपर पाइपलाइन डिजाइन। अब जो आपका जो पाइपलाइन जो है उसका डिजाइन प्रॉपरली होना चाहिए, उसमें थोड़ा स्लोप होना चाहिए ताकि जो भी कंडेंसेट है वो ड्रेन पॉइंट तक जाकर वहां से आसानी से निकल जाए। नेक्स्ट जो है कि यूज एक्सपीरियंस ऑपरेटर। अब जो भी वाल्व ऑपरेट करते हैं तो वो जो होगा, जो ऑपरेटर होंगे वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वाटर हैमरिंग होता क्या है, क्यों होता है, किस रीजन से होता है और कैसे हमको वाल्व को ऑपरेट करना है। अगर किसी को नहीं पता है तो उनको ट्रेनिंग देना है, उनको समझाना है, उनको बताना है वाटर हैमरिंग के बारे में और वाल्व को कैसे ऑपरेट करना है उनके बारे में भी समझाना है, ताकि वाटर हैमरिंग का जो ये फिनोमेना है वो ना हो। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो वाटर हैमरिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आई होप कि आज का ये जो टॉपिक था वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।